हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं पार्ट टू वीडियो में रेस्पिरेशन टॉपिक और एक और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इससे पहले पार्ट वन में हमने कर लिया था न्यूट्रिशन और डाइजेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द रेस्पिरेशन। तो ये जो है ये तो हमने पार्ट वन में ही देखा था एंड होप कि जो मैंने पार्ट वन में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे फिनिश होता है, उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में पार्ट वन की वीडियो में डाल दिया होगा। ठीक है, तो हम अब पार्ट टू वीडियो शुरू करते हैं जिसमें वी विल स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? सब जो भी होंगे यहाँ पे लोग, जैसे ही मैंने पूछा रेस्पिरेशन तो सबके दिमाग में एक ही चीज आई होगी कि रेस्पिरेशन इज सांस लेना, ब्रीथिंग है ना, ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, डैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बट नहीं, उसको हम बोलेंगे ब्रीथिंग, क्योंकि ब्रीथिंग जो है और रेस्पिरेशन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होता है? जब हम O2 को, ऑक्सीजन जो है उसको लेते हैं और CO2 को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, पर रेस्पिरेशन डिफरेंट होता है। ब्रीथिंग में सिर्फ ये होता है, एक सेकेंड, ब्रीथिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ब्रीथिंग में होता है कि O2 को हमने क्या किया, इनहेल किया। ठीक है, और जो CO2 था उसको हमने एक्सहेल किया। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रीथिंग। पर रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमने जो फूड खाया उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन। अब उसमें फूड में ऑक्सीजन कहाँ से आया? फर्स्ट थिंग ये, उसमें ऑक्सीजन इस तरीके से आया कि जो भी हमने फूड खाया साथ ही साथ हमने ऑक्सीजन भी लेते, हम सांस तो ले ही रहते ना, ब्रीथिंग तो कर ही रहते, तो हमने क्या इनहेल कर लिया, ऑक्सीजन। ठीक है, फूड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इन दोनों को जब हम हमारी बॉडी में गए दोनों, और दोनों जब कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म हुआ, एक एनर्जी फॉर्म हुई, और वो एनर्जी प्लस CO2, अब CO2 कहाँ से फॉर्म हुआ, वो जो हमने रिलीज किया था वो CO2 हुआ फॉर्म, साथ में एक H2O मॉलिक्यूल, डैट इज वाटर, और एनर्जी, ये तीन चीज फॉर्म हुई हमारे प्रोडक्ट में। तो ये होता है रेस्पिरेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें एनर्जी फॉर्म हुई, CO2 तो उसमें भी हो रहा था, H2O का इतना मायने नहीं रखता, बट इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी जहाँ फॉर्म हुई वहाँ रेस्पिरेशन। ठीक, अब एनर्जी किस टाइप की फॉर्म हुई यहाँ पे, यहाँ पे उस ये इस टाइप की एनर्जी फॉर्म हुई जिससे हम अपने जो लाइफ प्रोसेस है अपनी बॉडी में वो कर सकते हैं, जो कि हमारे हेल्प करेंगे हमारी ग्रोथ में, मूवमेंट में। वो सब एनर्जीज जो रेस्पिरेशन से फॉर्म होती है वो हमारी ग्रोथ, मूवमेंट में, लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है, अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बतानी है, एक क्वेश्चन था ना चैप्टर वन में जो हमने पढ़ा था, चलो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी वो। ठीक है, ओके, तो अब एक और इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको कुछ देखी देखी सी लग रही होगी, यही सेम रिलेशन जो थी हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी थी, बट थोड़ा सा डिफरेंस था क्या कि जो यहाँ पे ये लिखा है ना वो इधर था रिएक्टेंट्स में, और जो ये लिखा है ये प्रोडक्ट में था यहाँ पे RHS साइड में, है ना, बट यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया है। रिएक्टेंट्स तो ये दोनों है और प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है ये, तो ये इसी को हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। दूसरे डेफिनेशन में हम बोलें कि रेस्पिरेशन क्या है, तो ग्लूकोज जो है वो हमारे फूड में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमने ले ली, साथ में क्या फॉर्म करें, एनर्जी, CO2 और H2O, बस इसी को मैंने, बस फूड में चेंज है और इसको बैलेंस करके लिखते हैं, वही सेम रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, हाँ, तो मेरा क्वेश्चन अब ये था जो मैं आपको बोल रही थी कि आप फोटोसिंथेसिस जो था वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, आपको ये बताना है। ठीक है, अभी कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों का वैसे मतलब होता क्या है, एंडो और एक्सो का मतलब। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जब एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब यहीं पे जो हमारा रिएक्टेंट है उसी में हमारे साथ एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो वो होता है एंडो। और एक्सो होता है जब हम एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, हमें उस एनर्जी की अभी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसे रिलीज कर दी, और रिलीज करने के बाद हम उसे यूज़ कर रहे हैं, डैट इज एक्सोथर्मिक। ओके, तो अब रेस्पिरेशन जो है वो दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, डैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। तो जो एरोबिक और एनारोबिक है, अब उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। ओके, ये डिफरेंस मेनली आता है एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से समझेगा। ओके, तो एरोबिक जो है वो देखिए, एक एनारोबिक जिसमें एन आ रहा है और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, जिसमें सिंपल है जो एरोबिक है बस, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन होता है
ठीक है, और ये एन हो गया यानी जिसमें एब्सेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया एरोबिक और एनारोबिक। अब इसमें जो है ना एरोबिक में वो कंप्लीट ब्रेकडाउन, हम ये टेबल भी देखेंगे अभी, तो पहले ये समझ लें कि एरोबिक में पूरा ब्रेकडाउन होता है, जो भी फूड हमने खाया है, जो भी चीज़ खाई है या जो भी चीज़ जिसमें एरोबिक है उसका पूरा ब्रेकडाउन होता है, वो सब बिल्कुल टूट जाता है, ठीक है। इसमें जो है ब्रेकडाउन तो होता है पर आधा होता है, पार्शियली होता है, ठीक है। और इसमें जो अब हमने देखा था कि अगर रेस्पिरेशन है तो एनर्जी रिलीज होती है, बट जो एरोबिक और एनारोबिक में एनर्जी है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या है कि एरोबिक में जो एनर्जी है वो तो पूरी तरह से रिलीज हो जाती है, यानी जितनी भी एनर्जी है वो सारी रिलीज हो जाती है, बट एनारोबिक में जो एनर्जी है वो लेस रिलीज होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ओके ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया है एरोबिक और एनारोबिक, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, अब यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी जो हमने डाइजेशन पढ़ा था इन पार्ट वन में वो भी इम्पॉर्टेंट था, सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होप आपने कमेंट में डाल दिया होगा। तो अब हम करते हैं ये ग्लूकोज के बारे में सबको जानेंगे। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 है ना, यही फार्मूला होता है। तो देखिए इसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं 6, ठीक। तो जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, ये टेबल एग्जाम में ड्रॉ करने को आ सकती है, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। तो ग्लूकोज में जो साइटोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म में जो पाइरूवेट है उसमें कार्बन जो है, अब हमारे को 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी देखिए यहाँ पे अभी तक कितना हुआ, ब्रेकडाउन हुआ है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से, वो अब क्या हो गया है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में गया तो जो पाइरूवेट था वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, यानी जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे वो टूट गए, ठीक है। आफ्टर डैट अब यहाँ से जो पाइरूवेट था उसमें जब एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस O2 यानी एनारोबिक, तो जब एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ O2 हुई तो जो यीस्ट में है, बात करें एक यीस्ट में होगा और एक मसल सेल्स में होगा, ठीक है, एब्सेंस वाले यीस्ट और मसल, तो यीस्ट वाले में क्या फॉर्म हुआ, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। देखिए एनर्जी तो फॉर्म होगी क्योंकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यीस्ट में एक इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, और अगर मसल सेल की बात करें तो मसल्स में होता है लैक्टिक एसिड, तो इसलिए जो एब्सेंस हुई मसल सेल में वही लैक्टिक एसिड की और एनर्जी हुई, ठीक। और अगर प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस जो हुआ O2 का वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है ATP, ATP क्या होता है, हमने पढ़ा था क्लास 8th या 9th में कि ये पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो पावर हाउस यानी एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, तो यहाँ पे O2 की प्रेजेंस होना कंपलसरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंस ऑफ O2 है वो CO2H2 और एनर्जी फॉर्म किया, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होके ये सब फॉर्म हुआ, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपने समझ लिया होगा, होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, नोज से शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका डाइजेस्टिव और ट्रांसपोर्टेशन है, तो ज़्यादा फोकस इस पर मत कीजिएगा, पर थोड़ा सा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, पर 5 मार्क्स का शायद ही आए, मतलब 50 चांसेस हैं, ओनली 50% चांसेस हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूँ तो कहाँ से शुरू होता है, नोज से, क्योंकि सबसे पहले एयर कहाँ से लेंगे आप, नोज से लेंगे, है ना, वहीं से आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। तो नोज के पास 2 होल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स, और उन नॉस्ट्रल्स में होते हैं कुछ हेयर्स, ठीक है। अब जो नॉस्ट्रल्स हैं वो इतना ही काम करते हैं क्योंकि बस हेयर होते हैं। अब नेसल पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो नेसल पैसेज से जब नॉस्ट्रल्स में हमारी जो एयर है वो गई, तो वहाँ उसके बाद नेसल पैसेज में जो एयर थी वहाँ से वो कहाँ गई, वहाँ से जब वो गई एयर, तो जो डस्ट पार्टिकल थे हमारे एयर में वो क्या हो गए, ट्रैप हो गए, कहाँ पे, हेयर्स में, जो हमारी नोज में हेयर्स होते हैं उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, वो भी जब एयर है उसमें डस्ट भी है, कुछ भी और भी है, तो जो डस्ट थे वो क्या हो गए, इन हेयर्स से अटैच हो गए। और वो क्यों अटैच हुए, ताकि जो म्यूकस है वो क्लीन कर सके इस एयर को, ताकि वो लंग्स में ना जा सके,
ठीक है, तो नोज़ में भी एक म्यूकस होता है जो कि क्या करता है, फिर जो एयर ट्रैप हुई है हमारे इस डस्ट को हेयर्स ने ट्रैप कर लिया, वो क्लीन होती है और फिर लंग्स में वो नहीं जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेट्स गो नाउ टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो एक ऐसी ट्यूब होती है, लाइक देखिए ऐसी ट्यूब होती है और इसमें कुछ ऐसे सी जैसा बना होता है। अब ये क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जो ट्रैकिया है वो एक ऐसी ट्यूब है जिससे एयर जो है वो जाती है। अब देखिए नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ गई, ट्रैकिया में आई। ठीक है, ये था हमारा नेसल पैसेज सपोज। ठीक है, तो नेसल पैसेज है, यहाँ से जो एयर है वो ट्रैकिया में गई। ठीक है, ट्रैकिया से अब क्या हुआ, यहाँ से जाएगी वो लंग्स में। ऐसा एक डायग्राम होता है लंग्स, आई एम ड्राइंग लाइक दिस ओनली सो डोंट फोकस ऑन माई ड्राॅइंग। ठीक है, लंग्स में गई। अब ये जो लंग्स थे यहाँ पे जाएगी। अब ट्रैकिया में ये सी क्यों होता है, सी से ऐसी जो रिंग शेप जैसी कार्टिलेज होती है वो इसलिए होती है ताकि ये कोलैप्स ना करे, क्योंकि अगर ये कोलैप्स कर गया तो जो एयर है वो अंदर नहीं जा पाएगी। ओके, देन लैरिंग्स। अब इस ट्रैकिया से पहले ना जो हमारा नोस्ट्रिल है उसके बाद होता है एक लैरिंग्स, फिर फैरिंग्स और फिर आता है ट्रैकिया। ठीक, तो जो लैरिंग्स है वो आपको पता है कि वो वॉइस जनरेट करता है ना। देन अपर ट्रैकिया होता है और एक लोअर ट्रैकिया। अब अपर ट्रैकिया क्या, जो ये है ये ऊपर का सबसे स्टार्टिंग ट्रैकिया है और यहाँ पे ट्रैकिया ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ से वो डिवाइड हो रहा है टू द टू लंग्स में। ठीक है, तो अपर ट्रैकिया जो है वहाँ पे लैरिंग्स होता है जो कि वॉइस बॉक्स है, और लोअर ट्रैकिया पे क्या होता है, टू ब्रोंकीज होते हैं, ब्रोंकी। ठीक है, जो कि डिवाइडेड हो रहे होते हैं इनटू लंग्स में। पहले आएगा ये ब्रोंकी, ठीक है, फिर ये लंग्स में जा रही होते हैं, और ये जो फिर लंग्स हैं इसके अंदर भी छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्रोंक्यूल्स। लाइक देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये क्या था हमारे, तो ब्रोंकी था, ये लोअर ट्रैकिया से जो अटैच था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके भी अंदर ऐसे ऐसे कुछ बना होता है। तो ये वाली जो एरिया है ये होता है ब्रोंक्यूल्स, और एल्वियोले क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे मैंने डॉट्स बनाना, दीज आर द एल्वियोले, यानी पाउच जैसे एयर सैक एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियल। यहाँ पे मेरा ब्रोंक्यूल ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे से एक एयर सैक जैसे पाउच जैसे होता है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब मान लीजिए कि ये स्टोमेटा जैसा काम करता है, स्टोमेटा भी यही काम करता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही एल्वियोले करता है। ठीक है, नाउ ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ज़्यादा कुछ नहीं था, नोस, नेसल पैसेज, हेयर ट्रैकिया, लैरिंग्स, अपर ट्रैकिया, लोअर ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोले, बस यहाँ पे आके ख़त्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड टॉपिक। ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है, डैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, देखिए गाइस अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो मैं एक्सप्रेशन भी इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगी, बट मेरी फुल कोशिश रहेगी कि इसी पार्ट में एक्सप्रेशन भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो फिर एक्सप्रेशन का थर्ड पार्ट बनेगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, हमने सुना ही होगा इधर से उधर ट्रैवल करना, वही चीज़ है कि यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के वो क्या करेंगे, एक सामान को दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो हमें देखने, कौन कौन करेगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, मेनली जो कंपोनेंट है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है हमारे, है ना, ब्लड जो है वो हर एक पार्ट में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ये हेमोग्लोबिन होता है इसके पास। हेमोग्लोबिन क्यों होता है, ये रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नाउ अब जो ब्लड है ना वो हमारे फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC जो है, मतलब पहले प्लाज्मा देख लेते हैं, प्लाज्मा जो है ना वो लिक्विड्स होता है इनफ। ओके, बस इतना ही है प्लाज्मा के बारे में कि एक लिक्विड सा होता है, देन प्लाज्मा में भी इतना मिला और ये सब कुछ डिसॉल्व कर लेता है। ओके, RBC के बारे में अगर मैं बात करूँ तो RBC क्या करता है, लंग्स से जितना भी ऑक्सीजन है वो लेता है, कैरी करता है O2 फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। यानी जो हमारा ये लंग्स, मैंने आपको यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ से ये क्या लेगा, लंग्स से O2 लेगा और बॉडी में क्या कर जाएगा, वो ट्रैवल कर जाएगा O2। तो इस तरीके से लंग्स जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। कैसे करता है, ऑक्सीजन जो है लंग्स से कहाँ जाएगा, बॉडी में, फिर बॉडी से वो वापस लंग में चला जाएगा। इसका मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी दिखाऊंगी। ओके, तो हेमोग्लोबिन जो है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके पास RBC होता है रेड कलर का। ठीक है, WBC की मैं बात करूँ तो जो WBC है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, डिजीज से, और ये वाइट कलर का होता है या फिर कलरलेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, फाइट करेगा, और क्या करता है, हमारी
इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को अच्छा यही बनाता है. ठीक है, प्लेटलेट्स की मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड. कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या कि हमारे ब्लड जब बहता है, चोट लग जाती है तो जो ब्लड फ्लो करता है उसको रोकता है, या फिर नई खाल जब नई उस पर एक लेयर आती है तो वो प्लेटलेट्स की वजह से आती है, नहीं तो फिर वो जख्म हमेशा रहेगा, है ना. तो वो जो सही हो जाता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स. ओके, देन अब ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो अगर मैं आर्टरीज की बात करूँ तो आर्टरीज जो है वो क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, यानी जो इनकी वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं. ठीक है, और जो हर्ट है, मतलब आर्टरीज जो है वो कहाँ से ट्रैवल करती है, हर्ट से बॉडीज तक ट्रैवल करती है. ठीक है, और आर्टरीज जो है वो टू टाइप्स की होती है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी. एओर्टा जो है वो क्या करता है, ये सारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें सिर्फ O2 होता है, CO2 वगैरह कुछ नहीं होता, तो एओर्टा जो है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है. कहाँ से लेता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से टू बॉडी तक, यानी एओर्टा जो है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहाँ दे देगा, बॉडी में. अब लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है हर्ट में, तो इसी आर्टरीज जो है वो सारा काम कहाँ से करती है, हर्ट से बॉडी तक. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें O2 नहीं होता, या O2 बंद हो जाता है तो वो CO2 बन जाता है. ठीक है, उसको लेके जाएगी वो राइट वेंट्रिकल से बॉडी तक. ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑक्सीजनेटेड, और राइट से बॉडी जो जाएगा वो डिऑक्सीजनेटेड फ्रॉम पल्मोनरी. ठीक है, देन वीन्स की अगर मैं बात करूँ तो वीन्स थिन होती हैं, थिन वॉल्ड. ठीक है, ये उल्टा काम करते हैं, यानी बॉडी से बैक टू द हर्ट. अगर हर्ट से बॉडी आ रहा है तो उस हर्ट में भी कहीं से तो आया होगा, वो कहाँ से, बॉडी से. तो आर्टरीज हर्ट टू बॉडी, वीन्स बॉडी से बैक टू हर्ट. अब जो वीन्स हैं वो टू टाइप्स की होती है, एक वेना कावा और एक पल्मोनरी वेन. ये क्या करती हैं, जो राइट वेंट्रिकल होता है हमारा, कौन सा, राइट वेंट्रिकल, उससे कनेक्ट होती हैं. लाइक जो ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था हमारा, राइट वेंट्रिकल से जा रहा था, तो ये आया कहाँ से था, राइट मतलब वेना कावा के थ्रू आया था, जा किससे रहे, पल्मोनरी आर्टरी से. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये लंग से लेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हर्ट तक देंगी. ठीक है, ये है एक ब्लॉक डायग्राम जो कि एग्जाम में ज़रूर आता है. एग्जाम में पता है मेरे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता, ये आया था कि ड्रॉ करो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है ये दिखाओ. और तो हमें तो ऑक्सीजन का दिखाना था, यानी हमें सिर्फ ये दिखाना था और ये दिखाना था, ये दोनों दिखाने थे. ठीक है, बट मैंने ये भी दिखाया था, ये भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, आपके में आ सकते हैं अगर डीऑक्सी दिखाओ या ऑक्सी दिखाओ या फिर पूरा दिखाओ, तो आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा. एग्जाम में अगर आपने समझ लेना आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं कुछ इसे रट लेते हैं जिसकी वजह से उल्टा सीधा कर देते हैं. पर अगर आप इसे समझ के करेंगे तो आप खुद इसे कर सकते हैं और आपको पूरे 5 या 3 नंबर जितने में भी आते हैं पूरे मिलेंगे. ठीक है, तो इसको समझते हैं. इसके बाद डबल सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन. ठीक है, तो मेनली तो डाइजेस्टिव में ही ज़्यादा टाइम लगता है, इन सब में तो कम ही लगता है. ओके, तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो लंग्स जो अभी हमने पढ़ा ना, बस उसी को मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखा रही हूँ. ठीक है, हमने जो अभी पल्मोनरी वेन, एओर्टा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी के फंक्शन पढ़े, ठीक है, आर्टरीज वेन्स के, वही सब अब बस ब्लॉक डायग्राम में. क्यों? ताकि ब्लॉक डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. ठीक है, तो देखिए लंग्स ड्रॉ करेंगे पहले, फिर हर्ट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, पर एक बॉडी, अब जो हर्ट है उसमें ऊपर होगा हमारा राइट एट्रियम, इधर होगा लेफ्ट एट्रियम. अब देखिए अगर हम एक्चुअली देखें अपने हैंड के अकॉर्डिंग, तो ये होना चाहिए था लेफ्ट और ये होना चाहिए था राइट. ठीक है, बट वैसे हम इसमें जो ड्रॉ करेंगे वो हम इसका अपोजिट ड्रॉ करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्चुअली में हर्ट है वो इसी तरीके से है ना. हमें तो अगर हम देखें तो हमारा जो हर्ट है वो ऐसे होगा लेफ्ट टू राइट, बट हम ड्रॉ इस तरीके से नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो वो हमारे लिए राइट ये है और लेफ्ट ये है. ओके, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हमने ड्रॉ कर लिया. अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, यानी जिसमें O2 होता है वो वाला ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके जाती है. ठीक है, याद रखिए पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके जाती है. ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो भी लेफ्ट का लेके जाएगा ना, वो एक तो एक वेन होगी पल्मोनरी और एक होगी एओर्टा, और दोनों ऑक्सीजन होंगे, दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है,
तो जो लंग से पल्मोनरी वेन लाइट लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी वो ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी होगी, फिर वहाँ से ना वो नीचे खुद फ्लो कर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक वो खुद फ्लो कर जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो यहाँ से एक और चीज़ की गाइस, एग्जाम में डायग्राम नहीं आता है हर्ट का ड्रॉ करो, एग्जाम में ये वाला डायग्राम आता है, ठीक है। हर्ट का डायग्राम बहुत रेयरली आता है, लाइक ओनली 10% चांसेस है, बट मेनली ये आता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेट में जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो भी लेफ्ट है वो रिलेटेड टू ऑक्सीडेटेड है, ठीक है। तो लेफ्ट से जो बॉडी में जाएगा वो लेके जाएगा एओर्टा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आफ्टर डैट बॉडी से अब जाएगा ऊपर राइट एट्रियम में, ठीक है। कौन सा जाएगा, डीऑक्सी, क्योंकि इधर जो है जो राइट का काम करती है वो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो बॉडी से जब वो जाएगा तो वेना कावा लेके जाएगी राइट में एट्रियम में, ठीक है। वहाँ से वो वापस नीचे फ्लो कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, अब यहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ, लंग्स में, क्योंकि बॉडी से तो आया था यहाँ पे, यहाँ से फ्लो करके वो डायरेक्ट लंग्स में ही जाएगा। कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही, ओके। नाउ अगर डबल सर्कुलेशन की मैं बात करूँ, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि जब भी ब्लड ट्रैवल करता है ट्वाइस, यानी डबल मतलब कि दो बार, और सर्कुलेशन मतलब ट्रैवल करना, ठीक है, एक कंप्लीट राउंड। तो जब भी जो हमारा ब्लड है वो ट्रैवल करेगा दो बार हर्ट से, थ्रू हर्ट से निकल के एक कंप्लीट साइकिल, उसे हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ये जो है ना डबल सर्कुलेशन है, कैसे देखें, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो दो राउंड हुआ, एक लंग से हर्ट और एक हर्ट से बॉडी, फर्स्ट राउंड और ये सेकेंड राउंड, ठीक है। तो दो बार ट्रैवल किया, कहाँ से किया, हर्ट से ही कंप्लीट साइकिल चल रहा है ना, हर्ट से पहले लंग्स, फिर वहाँ से बॉडी, तो फर्स्ट पार्ट भी लंग से हुआ, सेकेंड भी, तो ट्वाइस बार, ट्वाइस जब ब्लड ट्रैवल करता है थ्रू हर्ट एक पूरा कंप्लीट साइकिल, तो उसे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब दो टाइप का होता है, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमैटिक। पल्मोनरी एक ऐसा पाथवे होता है जो कि हर्ट टू लंग्स होता है, बस इन दो के बीच में, यानी ये हर्ट है और ये लंग्स, तो ये जो है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, दोनों पल्मोनरी आर्टरी और वेन है, तो ये हमारा कौन सा वाला सर्कुलेशन हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि हर्ट टू लंग और ऊपर दोनों पल्मोनरी। अब देखिए एओर्टा और वेना कावा जो है वो दोनों क्या है, सबसे फर्स्ट वाली जो वेन्स और आर्टरीज है वो मेन वाली, ठीक है, ये हर्ट से बॉडी जा रही है, तो ये कौन सी हुई हमारी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक। ये जो डबल सर्कुलेशन है ना, ये इसी का ही ब्लॉक डायग्राम है, इसी को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसको भी, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, तो दोनों का मतलब एक ही है। बस इस ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको डबल सर्कुलेशन समझ ना आया हो या फिर ये ना आया हो ब्लड डाटा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बताती हूँ। मेरे जो एग्जाम्स हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर भी है, अगर आपको वो चाहिए या आपको चाहते हैं कि मैं उसे सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीशन की, तो गाइस इसी में खत्म कर देते हैं एक्सक्रीशन भी जितना होगा। तो एक्सक्रीशन जो है उसमें क्या होता है, टू किडनीज होती है ना। एक्सक्रीशन यानी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमने पार्ट वन किया था, कि रिमूव करना जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको रिमूव करना है ना। अब अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम रिमूव करते हैं उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। सबसे मेन जो एक्सक्रीशन का पार्ट होता है ना, वो होते हैं ये दो किडनीज, ठीक है। ये दो किडनीज क्यों, क्योंकि ये करती हैं हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन। कैसे प्योरिफिकेशन करती है, ये ऐसे प्योरिफिकेशन करती है कि अगर कुछ भी हमारा, हमने फूड खाया उसमें अगर कोई कंकर चला, कुछ भी चला गया, तो वो किडनी उसको प्योरीफाई कर देगी, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में। फिर यूरेटर एक पाइप होता है ना, देखिए किडनी का आपने डायग्राम देखा ही होगा, लाइक ऐसी किडनी है, यहाँ से ये यूरेटर है ना, फिर ये हमारा ब्लेडर, और यहाँ से ये आ गया यूरेथ्रा, यहाँ से आउट, ठीक है। तो ये एक मैंने ऐसी रफली ड्रॉ किया, माइंड इट, ठीक है। तो किडनी क्या कर रही है, प्योरीफिकेशन कर रही है। प्योरीफिकेशन को हम बोल सकते हैं कि रिमूव करना सारा पॉइजन और टॉक्सिक सब्सटेंस, जो भी वेस्ट रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है, एंड ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है, फिर कहाँ से निकल जाता है, वो वेन से।
लाइक रीनल आर्टरी से हमारा जो है आया सारा डॉट, ठीक है, वो कहाँ से क्लीन होके जाएगा फिर, वेन से। बस यही चीज़ है जो इस लाइन में लिखी है, ठीक है। देन उसके बाद किडनीज के बाद आती है दो यूरेटर्स। दो यूरेटर्स क्या, एक किडनी से एक अटैच होती है, फिर ये क्या करती है, एक ऐसी ट्यूब जो कि यूरिन को पहन करती है, किडनीज में जो भी वेस्ट है उसको प्योरिफिकेशन करने के लिए जो किडनीज हैं वो यूरिन देती हैं, ठीक है, उस यूरिन रिलीज करती हैं, और फिर वो यूरिन जो है उसको हमें ब्लेडर तक ले जाना होता है। क्यों? क्योंकि जो यूरेथ्रा ब्लेडर है वो उसको स्टोर करता है ना, तो स्टोर करने के लिए यूरेट्रस जो है उसको कैरी करती है, वो ब्लेडर तक आता है, फिर वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, एंड देन जो यूरेथ्रा है वो उसको कैरी, यूरिन को जो है जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर उसको हम आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी किडनी भी प्योर हो जाती है, ठीक है। देन एक्सक्रीशन का मेनली तो यही था प्रोसेस, जो कि एक्सक्रीशन बॉडी कैसे करती है। अब मेनली जो हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन में, डैट इज़ अबाउट द नेफ्रॉन्स के बारे में, कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। नेफ्रॉन्स जो है वो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है, यानी एक्सक्रीशन करने के लिए जो सबसे मेन पार्ट है या सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है, डैट इज़ नेफ्रॉन, ठीक है। अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन नहीं हो सकता, प्लीज़ माइंड इट, ओके। ना जो एक कप शेक बैग होता है, लाइक इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रखा है, कोई नहीं, बुक में होगा आपकी। तो जो एक डायग्राम होता है ऐसा जिसमें ये कप शेप सा बैग होता है ना, तो ये जो कप शेप है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके। और ये जो मेन है नेफ्रॉन के बारे में था, बोमेंस, ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन, ठीक है। अब इसका प्रोसेस कैसा होता है वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 में डालूंगी, पार्ट 3 में डालूंगी, वो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डैट इज़ @sneha20056 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और एक और गाइस थिंग्स कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको नोट्स लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं, अगर आपको समझ भी आया थोड़ी सी, अगर आपकी हेल्प हुई है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।